आज कहें चुनाव का आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव का, और आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन कहें कि जो इलेक्ट्रॉन बोर्ड का जिन निकला है वो किस तरीके से शांत होगा, उस पर आज हम बात करेंगे। किस तरीके से देश को कहें लूटा गया है, किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे डलवाए गए और फिर उनसे इलेक्ट्रॉन बोर्ड के जरिए चंदा लिया गया, उसी में बात करेंगे। और आखिर ये मामला कितना बड़ा है उसमें भी बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोर्ड का ही नहीं, इसके अलावा भी और बड़े खेल है, उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विनय यादव जी हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। विनय जी, क्या कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन बोर्ड का जो मामला है? आज अमित शाह ने कह दिया कि ये 16 करोड़ नहीं 16,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ है। क्या लगता है 20,000 करोड़ ही है या इसके अलावा भी कुछ और अभी आपको लगता है? मोहन जी देखिए, आंकड़ा तो इससे बहुत अभी अधिक है, क्योंकि अभी तक तो पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बैंक की तरफ से कोर्ट को नहीं दी गई है, चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। नहीं, कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा कि आपने कोर्ट क्यों नहीं शिकर, बकायदा फटकार लगी है उसको लेकर के। मोहन जी, जो इतना लंबा टाइम कोर्ट के कहने के बाद जो लिया बैंक ने, ये आप यकीन मान के चलिए कि जितना इस मामले को वो ठीक कर सकते थे, दुरुस्त कर सकते थे, जितना कम से कम राजनीतिक पार्टियां इस घेरे में आए उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई है, जितना वो इसको दुरुस्त कर सकते थे उन्होंने अपने कागजों में दुरुस्ती जरूर की है। वरना जब आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है और एक क्लिक के ऊपर आप पूरी जानकारी, पूरा डाटा बैंक का ले सकते हैं, और वो भी हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक, उसके पास अगर ये दिक्कतें आती हैं और वो बहाने लगाता है, तो आप मान के चलिए दाल में बहुत बड़ा काला है, कोई एक आध काले के दाने नहीं है। और ये एक राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है, और भी अन्य राजनीतिक पार्टियां इसमें सम्मिलित हैं जिनको पैसा मिला है, तो ये सभी सवालों के घेरे के अंदर है। मगर सबसे ज्यादा लूट किसकी वजह से हुई और उस लूट की पॉलिसी की वजह से अन्य को किन किन को फायदा मिला, वो सारी चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। और ये अगर देश के संविधान को मानते हैं और जनता के हितैषी हैं, तो ये आंकड़े स्वयं इनको सामने रख देने चाहिए थे। इतना लंबा टाइम इन लिया गया, कोर्ट की बातों को दरकिनार किया गया, कंटेंट ऑफ कोर्ट के डर के कारण फिर बाद में आंकड़े पेश कर रहे हैं, फिर भी जानकारी पूरी नहीं दे रहे हैं, अधूरे डाटा दिए जा रहे हैं। बीच में कहा गया आगे डाटा तो है, वो हैंड रिटन है, वो हमारी हेड ब्रांच में है। अरे हेड ब्रांच में हो, किसी भी ब्रांच में डाटा आपके पास है ना, कोर्ट की पहली तारीख पे आप डाटा रख देने चाहिए थे आपको। मगर ये सरकार के दबाव में सारी देश की संस्थाएं आज के समय में काम कर रही हैं, और उसका नतीजा है अगर देश के अंदर जो पिछले शोर मचाते हैं ना, 70 साल 70 साल, मगर कभी जनता को ये नहीं समझाया गया उन 70 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो समर्थित जो सहयोगी इकाइयां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उनका शासन कितने साल देश के अंदर रहा है, तो उस घेरे में वो भी तो आ रही है साथ साथ। अगर वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं उन 70 साल का नाम लेके, तो आरोप तो स्वयं पर भी लगा रहे हैं, पर समझाए कौन इनको? जनता समझना नहीं चाह रही उनको, तो धार्मिक उन्माद में, अंधभक्ति में इतना पागल कर रखा है कि उनके दिमाग को सीज कर दिया गया है। तो ये एक नए तरह का मदारी वाला खेल चल रहा है। आप रोड पे जब कहीं खेल करता है मदारी, आप देखते हैं अब वो धीरे 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 जब खड़े होने वाले लोग हैं उनकी मेंटेलिटी को चेंज करता है, और फिर वो आके जिस मुद्दे पर अपने आप उनको लाना है उसी मुद्दे पर लाके उनसे हाँ या ना में जवाब लेता है। वो किसी की राय नहीं जानता, हाँ मैं सही कर रहा हूं या गलत, ऐसा हुआ नहीं हुआ, वो केवल अपने बारे के अंदर राय जानना चाहता है, जो उसने कहना वो कह लेता है। और उसके बाद जब जनता वहां से खेल देख के निकलती है, तब उन्हें लगता है कि हमने फालतू में 1-1.5 घंटा अपना खराब कर दिया, हमारी इच्छा नहीं थी उस खेल वाले को पैसा देने की, फिर भी हमने भाव आवेश में आके, भावनाओं में आके हमने उसको दे दिया। लेकिन एक और सवाल उठता है, 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज में लगा दिया, वो तो 5 किलो के चक्कर में लग गए, कहीं जैसे कबूतर को हम दाना डाल देते हैं, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ का खेल किस तरीके से, क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ये भी खेल है, या भी पीएम केयर फंड का भी राज खुलेगा, या फिर लगता है सिर्फ भाजपा को ये चंदा मिला, या भाजपा से जुड़ी हुई और भी संस्था है, चाहे आरएसएस हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, या फिर जो विश्व हिंदू परिषद हो, उनको भी इसी तरीके से चंदा, यानी कि डंडा दिखा करके चंदा लिया गया, भाई आपने हमें दिया तो उनको भी दीजिए। तो ये डंडा देकर के, ईडी का डंडा देकर के जिस तरीके से चंदा लिया गया और फिर उनको फायदा पहुंचाया गया, और देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, आम आदमी रोटी रोजी के लिए तरस रहा है, रोजगार नहीं है लोगों को, और इतना बड़ा बड़ा चंदा,
तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या लगता है सर, बीजेपी को मिला ये इनसे जुड़े हुए और बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, आरएसएस बना हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है, या उनको भी मिला है? ये तमाम चीजें अभी निकल करके आएंगी, और पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है अभी। मोहन जी एक चीज बना मान के चलिए, अगर किसी मंदिर की कोई संस्था है, कोई ग्राम की संस्था है, सामाजिक संस्था है, अगर उस संस्था के अंदर आवागमन है पैसों का और उसके रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त रखे जा रहे हैं, और अगर उसका प्रधान चेंज हो जाता है और वो आने के बाद वो पुराने सारे कागज उठा के रख देता है, कल से मैं एक नया रजिस्टर लगाऊंगा, उस रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी अगर हमारे पास क्या यार हमने क्या लेखा जोखा किया, पर उसकी जानकारी हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि मैं नया प्रधान आया हूं तो नए रूल मैंने बना दिए, उस रूल के अनुसार आप पैसा तो दे सकते हैं पर ये जानकारी नहीं दिया जाएगी अगर संस्था में या शाखा में कितना चंदा आया, कितना कहां कब कब हमने कैसे खर्च किया, इसकी जानकारी हम किसी को नहीं देंगे। तो एक नए तरह की जो ठगी करने की थी उसकी पूरी व्यूह रचना की गई है। अब कौन कौन इसमें चाणक्य शामिल हैं, कौन कौन उनके सलाहकार हैं, जिसने सारी स्क्रिप्ट को रचा है और फिर उस स्क्रिप्ट को धीरे धीरे करके जनता के दिमाग को रिफ्रेश करके उनके ऊपर सौंपा गया है, थोपा गया है, तो ये एक नया तरह का चलन इन्होंने जो चलाया है राजनीतिक पार्टियों ने, ये बहुत ही निंदा का विषय है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, आपको लगता है सब प्री प्लान हो रहा था 2014 से पहले एक व्यूह रचना रची गई, या आपको भी लगता है क्योंकि कांग्रेस को किस तरीके से यहाँ पे बदनाम किया गया, 2G को लेकर के, 3G को लेकर के, कोयला घोटाले को लेकर के, इधर रामदेव आए, इधर अन्ना हजारे आए, तमाम एक पूरा चक्रव्यूह था किसी तरीके से इस सरकार को खराब किया जाए कांग्रेस को, और उसके बाद लोगों में एक उम्मीद जगाई जाए जी अब ईमानदार प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी कुछ करेंगे, ये तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। यानी कि आपको लगता है कि जो लोग ने 2014 में इनको वोट दिए वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो ओरा खड़ा कर दिया, एक तरीके से माहौल बनाया सबने मिलकर के, चारों तरफ से कांग्रेस को घेरा, इधर निर्भया कांड हुआ, अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे, रामदेव आए, 35 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल जाएगा, ये पूरी व्यू रचना थी, पूरा एक कई दिनों से षड्यंत्र चल रहा था कि किस तरीके से हम सत्ता में एक बार घुसे, किसी भी तरीके से हमारे हाथ में बहुमत आए और उसके बाद हम अपना खेल खेले। मोहन जी देखिए, अगर किसी ईमानदार आदमी पे कोई आरोप लगता है और उसके विरुद्ध कोई पंचायत होती है, कोई सभा होती है, कोई सुनवाई होती है, तो वो बिल्कुल ईमानदारी से उसमें जाकर अपना पक्ष रखता है, अपनी बात रखता है, अगर मेरे आरोप ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं और किस कितने गलत हैं और किस परिस्थिति के अंदर मैंने काम किया। मगर कोई गलत आदमी है जिसने गलत किया और उस पर आरोप लगता है तो उसकी मंशा ये रहती है कि उस पंचायत से पहले पहले जितने भी पंचायत के लोग हैं या वो जो लोग जाएंगे उस पंचायत में सुनने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, उनमें से कितने आदमियों को अपने फेवर में कर सकता हूं जो केवल मेरे हक की बात करें और उस पंचायत की जो एक्चुअल बातें हैं, जो सही बातें, उनको लोगों तक ना पहुंचा जाए, ना सुना जाए। तो इस तरह का एक उन्माद पैदा किया गया, एक पूरी व्यूहरचना की गई। अब चुनाव से पहले हम सत्ता परिवर्तन करेंगे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, जो डूबे हुए थे, जिनका कोई कैडर नहीं था, उनसे व्यूह रचना तैयार करा गई, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको सत्ता में आने के बाद इस हिसाब से इतना इतना फायदा हम आपको देंगे। और वो उद्योगपति जो थे उनका आप देखिए 14 से पहले उनका क्या टर्नओवर था, कितना टैक्स पे करते थे देश के लिए और उनके कितने एसेट थे, कितनी संपत्ति के मालिक थे, अगर उनकी जांच 10 साल की करा दी जाए तो ये सच अगर जनता के सामने आ गया तो ये एक मान के चलिए अब ये देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा। क्योंकि आप 70 साल की बात करते हैं तो 70 साल बनाम आप 10 साल को जब कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन के अंदर जब इतने बड़े जो कांड हुए हैं ये कभी उन 70 सालों में नहीं हो पाए, जो उस समय किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अब जो हुआ है इससे बड़े घोटाले कहीं नहीं हो सकते। दूसरी बात, कहीं पर भी अगर भोज चल रहा है और वहां सारे वीआईपी लोगों का भोज चल रहा है और बाहर अगर भूखमरी है उस जगह उस शहर के अंदर, तो उन लोगों की क्या वो शोर मचाते हैं, अगर लोग यहां अनाज को वेस्ट कर रहे हैं और हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो इन्होंने एक नई तरीके की प्लानिंग की, अगर हमने जो खाना है वो तो हम खा लेंगे पर जो बचा हुआ कूड़ा करकट है वो हम उन जनता को परोस देते हैं, उनका पेट भरने के बाद वो पेट भर के सो जाएंगे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा, अगर कोई बोलेगा तो हम उनसे कह देंगे देखा तुम भूखे मर रहे थे, हमने तुम्हारा पेट भर दिया और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो ये जो अनाज जो दिया जा रहा है ना, ये तो देश में आप गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप रोजगार के साधन उपलब्ध कराते, लोगों को रोजगार देते, उनको जरूरत नहीं आपके अनाज की या सुविधाओं की। मैंने सवाल किया था जैसे हम कबूतर को दाना डाल देते हैं, तो ये उस पॉलिसी पे, क्योंकि मेरे को लगता है अब अगर हम रिसर्च भाई जैसे शादी का आदमी एल्बम देखता है,
और आप उल्टा एल्बम करके देखें तो आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी, कैसे अर्धांगनी आपके जीवन में आई, कैसे रिश्ता हुआ, किस तरीके से फेरे हुए, बारात गई, खाना हुआ, पीना हुआ। तो उसी आज हम 10 साल में अगर बैंक में जाए, धीरे 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 एक चीज को देखे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, ये तमाम चीजें एक प्री प्लान सबकी योजनाबद्ध तरीके से चल रही है। और मुझे लगता है इसके पीछे बड़े बड़े उद्योग घरानों के हाथ है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कहें कि पाद को एक पदमचंद बनाया और किस तरीके से पूरा माहौल को क्रिएट किया, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम कबूतर की तरह दाना घेर रहे हैं। और बातें आज जब निकल के आ रहा है जखीरा कि देश में कितना खजाना है, नोटबंदी आप कर चुके, तमाम लोगों ने अपने नोट बदल लिए, पता चल गया उसके बाद इतना खजाना, और ये तो एक सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, क्या लगता है इसके अलावा भी और कोई घोटाले होंगे आपको लगता है? मोहन जी देखिए, जो भी नोटबंदी पहले जो कांग्रेस करना चाहती थी, सबसे पहले भाजपा ने उसका विरोध किया। आधार कार्ड कांग्रेस लागू करना चाहती थी, सबसे पहले भाजपा ने उसका विरोध किया। अन्य पता नहीं कितनी स्कीमें अगर मैं गिनवाऊंगा तो लोगों की समझ से बाहर हो जाएगी। जो भी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के हित के लिए कांग्रेस या उससे पहले की सरकारें लाना चाहती थी, हमेशा भाजपा उन सबके विरोध में रही है। और अपने सत्ता में आते ही जिन मुद्दों को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जो वादे किए, उनके बिल्कुल उलट उन्होंने काम शुरू कर दिया और लोगों को एक नए माध्यम से, नए तरीके से बहकाना शुरू कर दिया, उनको नए एक रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया और जो असल मुद्दे थे उनसे लोगों को भटका दिया। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, खाली राजनीतिक लोग इसके अंदर हिस्सेदार नहीं है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं उन्होंने जिस तरह से मीडिया जो हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, उनको जो खरीदा है, उनकी जो इज्जत के पैसे लगाए हैं, उनकी जो बोली लगाई है, जो खुददार लोग थे जो नहीं बिके उनको वैसे ठिकाने लगाने का काम किया, चैनलों से निकलवा दिया, उनपे अन्य आरोप लगा दिए। और जो आदमी बिक गए, मैं तो एक चीज मानता हूं, इंसान की ईमान से बड़ी कोई कीमत नहीं, पर उससे बड़ी कीमत है भूख की। इंसान को अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर कर दोगे वो कितने दिन भूखा रह पाएगा? खुद तो वो भूखा रह लेगा पर अपने परिवार को, बच्चों को कितने दिन भूखा रख पाएगा? अंततः उसे एक 2 जून की रोटी के लिए कहीं ना कहीं आप ये समझौता करना पड़ेगा। अगर मेरा पेट भरे ना पड़े, चाहे मैं भीख मांग के लाऊं, हाथ जोड़ के लाऊं, चोरी करके लाऊं, कम से कम बच्चों का तो पेट भरूं। तो इन्होंने सबसे पहले जो पाबंदी लगाई, जो अपनी विपक्ष की जो पार्टियां थी या जो उद्योगपति थे जो इनके साथ सरकार की नीतियों में शामिल नहीं थे, उनके ऊपर आर्थिक रूप से कमजोर करने का लगाम कसने का काम किया और फिर उनको उस लेवल पर लाकर टेक दिया, अगर आपको जीना है तो हमारे कहे अनुसार चलना होगा। तो इस तरह का एक पूरा षड्यंत्र देश के अंदर चला है। एक और चीज देखने को मिली है पूरे मामले में कि जो कंपनियां घाटे में चल रही है वो भी चंदा दे रही है। क्या आप कर्जा ले लेकर के चंदा दोगे? किस तरीके से फायदा उनको पहुंचाया गया होगा, किस तरीके से उनको कहें बड़े बड़े टेंडर दिए गए होंगे और आम आदमी रोटी के लिए तरसता रहा, ये तमाम जो खेल है। मेरा फिर सवाल आपसे है, क्या ये 10-20-50 हजार करोड़ का यही अभी लाखों करोड़ों का ये मामला हो सकता है? क्योंकि देश पर जब कांग्रेस गई थी 55-60 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 200 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा हो गया और तमाम स्टेटों पे अलग अलग कर्जा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा हमने कर्ज लिया है और वो कर्ज कैसे चुकाएंगे, किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बन गए और जिनके पास कुछ नहीं था, तमाम चीजें, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 24 का वोट है, एक एक वोटर को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप सिर्फ 5 किलो गेहूं में लगे हुए हैं और देश को कोई और ही लूट के खा रहा है और बात करते हैं हम देश को बचाने की, यानी कि तमाम चीजें उल्टी। मंत्र कुछ पढ़ो, बंबू में हाथ कोई देगा कोई जाएगा, झूठ इतनी बोलेंगे समझ नहीं आएगा, यानी कि आदमी को ऐसे धर्म और आस्था की अफीम की चार चटा दी गई कि उसको कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। मोहन जी देखिए, चंदा दिया नहीं है। आप इस लिस्ट में देखिए, बहुत सी ऐसी कंपनियां थी, उन्होंने आज से पहले, भाजपा ये सरकार आने से पहले कभी किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दिया। ऐसा नहीं केवल इनको नहीं दिया, उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दिया। उस लिस्ट को आप देखेंगे तो, अगर पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो, मगर उनसे चंदा दिया नहीं उन्होंने, उनसे जबरदस्ती उनकी गर्दन पे छुरा रख के चंदा लिया गया। ये वही हाल है, अगर आप जेब में पैसा रख के कहीं मेले में कुछ खरीदने जा रहे हैं और रास्ते में आपको चोर मिल जाते हैं और आपकी गर्दन पे छुरी रख देते हैं तो आप स्वेच्छा से उनको पैसा दे नहीं रहे हैं, आपसे पैसा जबरदस्ती लिया जा रहा है आपकी जेब पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको आपने एक तरह से लूटने का काम किया है। तो इस तरह से भी चंदा लिया गया है। और दूसरी बात यह है
अगर देश के ऊपर कर्जा बढ़ा के देश के नाम से कर्जा लेकर बड़े बड़े जो पूंजीपति उद्योगपति लोग थे, विलफुल डिफॉल्टर जो थे, जिनके पास बड़े बड़े अरबों के असेट है, अगर आप उनका कर्जा माफ कर रहे हैं तो आपकी उसके अंदर मिली भगत 100% है, आपकी हिस्सेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्जा तो देश की जनता पे बढ़ा, फायदा किन गिलो चंद पूंजीपतियों को मिला, ऐसा क्यों भाई? अगर उनका उद्योग नहीं काम कर रहा था, आप उनके असेट को बेचिए ना। आप गरीब आदमी कोई मकान पे लोन ले ले, व्हीकल पे लोन ले ले, उठाने आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? उनके साथ ऐसी क्या हमदर्दी थी हमारे देश के सर्वोच्च मुखिया को? उनके लिए सब कुछ थाली में परोस के दिया जा रहा है कि आपको जो कुछ चाहिए, जो पसंद है इसमें से ले लीजिए, अगर इसमें से कोई पकवान पसंद नहीं है तो बताइए, हम पकवान बदल देंगे, पर आप अपनी पसंद का इस थाली में से उठाते रहिए, खाते रहिए और हमारी वाहवाही करते रहिए। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया सदन के अंदर। आप देखिए जब लोकसभा की कार्रवाई होती है, कैसे हमारे यहाँ के जो सदन में जो बोलते हैं सांसद और जो अन्य मंत्री, कैसे इन उद्योगपतियों की बड़ाई करते हैं। अरे उद्योगपति देश का एक अंग है, वो उद्योग चला रहे, कमा रहे, देश के एसेट्स को बढ़ा रहे, मानता हूं मैं, ताकि उससे जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, पर उनका भी एक वेलफेयर का फंड होता है। आपने कभी मॉनिटर किया कि उनका जो वेलफेयर का फंड था वो पहले वेलफेयर में लगता था? मैं मारुति का उदाहरण देता हूं आपको, अब वो आसपास के गांव में बिजली फ्री देती थी और अन्य सुविधाएं थी, शौचालय बनवाती थी, धर्मशालाएं बनवाती थी, वो पैसा लगता था ना वेलफेयर का। अब ये नया तरीका आ गया, वेलफेयर जनता का नहीं हो रहा, उनके वेलफेयर के पैसे, वेलफेयर हो रहा है राजनीतिक पार्टियों का। अब आप आंकड़े लगाइए, एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी पूर्ण रूप से डाटा उसका नहीं आया, उसमें इतना बड़ा घोटाला है, तो देश के अंदर पता नहीं कितनी संस्थाएं जो आरएसएस से जुड़ी है, भाजपा से जुड़ी है, अगर आप उनकी गिनती करेंगी, कभी उनके आपके खातों की जांच हुई? अगर 10 साल पहले उनके खातों में कितना पैसा था, कितने उनके नाम एसेट प्रॉपर्टी थी, अब इन 10 सालों के अंदर उनके नाम कितने एसेट बढ़े, कितनी प्रॉपर्टियां बढ़ी है? नहीं नहीं, एक और बड़ा सवाल है, जब आप सोचिए पार्टी अगर ऐसे कर रही है तो जो विधायक है, जो सांसद है, उसने कितना ब्लैकमेल किया होगा, उसने कितना चुनाव के वक्त चंदा लिया होगा, उसको कितना पैसा मिला होगा, ये तमाम अगर हम हिसाब लगाने लगे तो ये तो लाखों करोड़ों के अंदर चला जाएगा। विधायक चुनाव लड़ता है, टिकट मिलती है, कितना उसको चढ़ावा आता है, कितना लोग देते हैं। और अभी एक कमेंट में हमारे को खबर में कर रहे थे कि आपके बावल की, धारूहेड़ा की कितनी औद्योगिक कंपनियां हैं, उन्होंने कितना चंदा दिया है, उनसे कितना पैसा लिया गया। ये तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कागज में पकड़े गए, आप सोचिए इसके अलावा कितना चंदा लिया गया होगा। पीएम केयर फंड का कोई जवाब नहीं है, कितना पैसा पीएम केयर फंड में आया, कितना वैक्सीन के नाम पे आया, कितना राम मंदिर के नाम पे आया, इन सब चीजों का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? आप ये सोचिएगा कि अंदाजे से, मैं आपको एक किस्से से सुनाता हूं कि मैं एक बार हमारे मामा जी के वहां गया, उनका लड़का था और हमारा जो ननियाल था वो बड़ा सारा था, तो मामा जी का बेटा था 10 साल का, उसने मामी जी से पैसे ले लिए, नाना जी से ले लिए और अपने चाचा से ले लिए 20 रुपए, ताऊ से ले लिए, तो इस करके उसने करीबन घर में जितने भी लोग थे बुआ से ले लिए, सबसे 10-10 रुपए ले लिए। और जब उससे कहा तू पैसे बहुत ले रहा है, बोला आपने 10 रुपए ही तो दिए हैं। तो देखिए वो सवाल कैसा है, जैसे मंदिर में आप जाएंगे, कई मंदिर ऐसे हैं जहां अलग अलग मूर्तियां लगी हुई है, हर आदमी जो जाएगा मंदिर में एक एक मूर्ति पे पैसा चढ़ाएगा, बाहर जब आएगा तो 100 भिखारी वहां बैठे हैं, भीख मांगने वाले, पैसा मांगने वाले, सबको 2-2 रुपए देगा, लेकिन बात 2 रुपए की नहीं है, जो दान देने वाला उसके तो 300-400 रुपए चले गए। सवाल यही है कि एक बच्चे ने कितने लोगों से पैसे लिए। तो इसी तरीके से मेरा सवाल है कि इन लोगों ने न जाने कितने लोगों से किस किस रूप में फंड लिया है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या लगता है ऐसा होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन फंड का तो सामने आ गया, इसके अलावा कितना पैसा लिया होगा? मोहन जी मैं उसी बात पे आ रहा था, आपको बता रहा था सिलसिलेवार, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खाली एक मामला नहीं है। अगर मैं यही कह रहा हूं, जितनी भी संघ से जुड़ी शाखाएं हैं, जितने भी इन्होंने दल बनाए हैं सरकार में आने के बाद अन्य दल, और उनके जो पदाधिकारी बनाए हैं, उनकी अगर जिले वाइज जांच की जाए, सिलसिलेवार जांच की जाए, सत्ता में आने से पहले उनके खाते कितने पैसे थे, अब कितनी संपत्तियां उनके पास है, कितने पैसे हैं, उन संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति में पहले किस हालात में थे, अब किन हालातों पे हैं, उनका क्या स्टेटस है, अगर ये सारी जांच होगी तो सबके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो सकता है, सबको जेल में बंद होना चाहिए। क्योंकि आप किसी विधायक जो ओपोजिशन के सांसद हैं उनपे तो आप एक मिनट में कार्रवाई करके अगर सुनवाई से पहले आप उनको जेल में बंद कर देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही कोर्ट ने गलत घोषित कर दिया तो अब मुझे बताइए जिसने एक लागू की पॉलिसी उस मंत्री को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर शराब की पॉलिसी गलत थी, मैं मानता हूं शराब की पॉलिसी गलत थी दिल्ली में,
तो उस पॉलिसी के गलत होने की वजह से उसके मंत्री को जेल में डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। तो जब ये पॉलिसी कोर्ट ने गलत घोषित कर दी है तो ये मंत्रालय जिस मंत्री का था उसको भी जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज के समय में ये बताइए। दूसरी बात ये, कितनी शाखाएं हैं, सब में चंदा लिया गया। अगर सिलसिलेवार पीएम केयर फंड की, आपदा के समय, कोविड के समय कितना चंदा लिया गया उसकी अगर आप जांच कराएं, उसके बाद आप आइए धर्म का मुद्दा, राम मंदिर, हमने पैसा दिया मंदिर के लिए, धर्म के लिए, पर कहीं आंकड़े जारी किए गए तो किस जिले से कितना दान आया, कहां यूज हुआ वो मंदिर के काम में, कौन जानता है। पहले भी मंदिर के लिए जो ट्रस्टी थे और जो थे इनके जो देख रेख कर रहे थे मंदिर बनने से पहले, उन्होंने खुद घोटालों के आरोप लगाए थे कि इतने करोड़ों के घोटाले हो चुके हैं, जब हम हिसाब मांगने जाते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है, और मेरे पास प्रूफ है। आए कोई भी भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता, उस व्यक्ति ने कहा था, और मेरे सामने आए, प्रेस वाले आए, मैं आंकड़े रखूंगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस लूट के हिस्से में जो बड़े चैनल्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, उनका भी बराबर का हिस्सा है, क्योंकि मीडिया हाउस पे उन्हीं कॉरपोरेट का कब्जा हो गया है, और ये सारी बंदरबांट मिलके की जा रही है। कुछ चंद पूंजीपति लोग और कुछ चंद बड़े राजनेता वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, और वो केवल ये चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, सर्वोच्च जो है, जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े नेता है जिनके पास अरबों खरबों के एसेट, उनकी कितनी परसेंटेज, 10% होगी। आर्थिक जो कमजोर हैं, जिनको हम बीपीएल कैटेगरी में गिनते हैं, वो 20-25% होंगे। अब बीच में सबसे बड़ा तबका बसता है मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग वो स्वाभिमानी खुददार इंसान है, ऐसी प्रजाति है जो अपने जीवन में खुददारी से जीना चाहता है, उसके पास कम पैसा है उसमें गुजारा कर लेगा, पर वो अपने स्वाभिमान को नहीं बेचता, तो उनको कैसे तोड़ा जाए। अब धीरे धीरे करके उनके रोजगार को खत्म करके, उनके माइंड को वॉश करके, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे लाया जा रहा है, अनाज के सहारे बेरोजगार करके। अगर वो रोजगार में रहेंगे, उद्योग धंधे उनके काम चलेंगे, तो स्वयं कमाएंगे खाएंगे, और वही मध्यम वर्ग होता है जो हर चीज पे बोलता है, समझता है, विद्रोह करता है, क्योंकि ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अरबों खरबों के नुकसान से या फायदे से, और ना जो मांग के खा रहे हैं बीपीएल, उनको फर्क पड़ता है सरकार किसकी और क्या डूब रहा है, देश डूब रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको दो टाइम की रोटी मिल रही है, सरकार फ्री में दे रही है, मिल रहा है। मध्यम वर्ग ही ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी सर्वाइव करता है कमाने के लिए, फिर भी वो स्वाभिमान से, खुददारी से जीता है। उसको खत्म करने की साजिश है, उसको भी लेबर तबके में करा दिया जाए, ताकि पूंजीपति दिनराज, जैसे जैसे ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश राज क्या करते थे, आपस में भाईचारे को लड़ाते थे, एक दूसरे के नाम पे लड़ाते थे, अगर कोई लड़ता नहीं था तो 100 आदमियों की पंचायत बुलाई, 2 आदमियों को गोली मार दी, उस 2 को डर के देख के 98 आदमी चुप हो गए। तो इसी तरह ईडी सीबीआई की रेड हो रही है, अगर 10 पे रेड मारी, 10 पे रेड लगते ही 100 आदमियों को बताया भाई तेरा हाल ऐसा ही करना है क्या, वो 100 आदमी वैसे ही चुप हो गए। तो इस तरह से डरा धमका के जो पैसा लिया गया। पर एक चीज और मानता हूं, जब राजनेता अगर करप्शन करता है, इस तरह की कार्रवाई करता है, तो जो बड़ी बड़ी उद्योगपति थे उनको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला, जब वो इतने खरबों रुपए का उन्होंने डोनेशन दिया है, करोड़ों रुपए का, तो उनके भी तो एसेट्स की जांच होनी चाहिए। अगेन 10 सालों में आपके कितने एसेट्स बढ़े, आपने कितना टैक्स पे किया, ये जो पैसा वो तो छोड़े में आ रहा है, बड़े बड़े अभी नाम कहां है, अभी किसी वही बता रहे, सब चीजें आएंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है। हम एक छोटे से, ये आप रेवाड़ी को ले लीजिए, बहुत सारे नेता यहाँ पर ऐसा है, अपनी जेब से किसी को चाय पानी नहीं पिलाते, लेकिन कोई कार्यक्रम होता है, कभी उस लाला जी के नाम मान दिया जाता है, कभी आप ये चाय पिलाइए, आप ये दूध रखिए यहाँ पर, आप हमारे लिए लड्डू बंटवा दीजिए, आप हमारे लिए केक कटवा दीजिए। जब ये छोटे छोटे नेता, छोटे भैया नेता अगर इस तरीके का काम करते तो आप सोचिए बड़े लेवल पे कितना बड़ा काम होगा। और ये जब चीजें निकल के आई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कि किस तरीके से हजारों करोड़ का चंदा लिया गया है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या नेता अपनी जेब से राजनीति कर रहे हैं, या सिर्फ एक पूरे देश को एक ऐसा माहौल में बना तब्दील कर दिया गया है, आम आदमी की जेब में 10 पैसा नहीं है। आप और हम पूरे हफ्ते में 3 बार शर्ट बदलते हैं, एक शर्ट को 2 दिन तक पहनते हैं, लेकिन इन नेताओं के पास बड़ी बड़ी रैली करने के लिए, बड़े बड़े जखीरे करने के लिए, ये 3 घंटे में रैली कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या उद्योगपति इनको अंधाधुंध पैसा देते हैं और आम आदमी 5 किलो गेहूं में जी रहा है? या ये 2024 के अंदर ये तमाम मुद्दे उठेंगे, आम आदमी जगेगा, वोट डालने से पहले इनसे सवाल जवाब करेगा, इनको बिजली क्यों नहीं आती, पानी क्यों नहीं आता, और 2014 से पहले सिलेंडर पे 10 पैसा बढ़ गया तो चिल्लाते थे, पेट्रोल पे 10 पैसा बढ़ गया तो चिल्लाते थे, और आज तो कहां 11-11 सौ रुपए का, 12-12 सौ रुपए का सिलेंडर लेकर के लोग राजी हो रहे हैं। मोहन जी, मैं वही तो कह रहा हूं,
अगर जब बड़ा सरदार लूट में शामिल है, किसी संस्था का बड़ा अधिकारी खुद लूट कर रहा है, तो नीचे के तो सारे सिलसिलेदार लूट करेंगे ही। बड़ा अगर 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है तो उसी महकमे का चपड़ासी 10,000 रुपए की रिश्वत लेगा ही लेगा, क्योंकि वो भी उसी चैनल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ऊपर से नीचे तक। ये पूरा सिस्टम बढ़ा दिया। जब सरोज पद पे बैठा मुखिया झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं करता, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। 10 साल पहले वो क्या बातें करता था, अब उनके उलट क्या कार्रवाई कर रहा है, उन बातों को से मुकरने में उसको कोई शर्म लाज नहीं आती। वो बड़ी बेहयाई से अपनी बातों को रखता है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां गिनवा देता है और अपनी गलती पे नहीं बोलता है। तो ये बड़ा ही सोच का विषय है। मगर बात जनता तक पहुंचे कैसे, जब आपके मीडिया हाउस ही खरीद लिए गए, उनको गुलाम बना दिया गया है, तो वो गुलाम मानसिकता की सोच ही लोगों पर थोपेंगे। दिन रात जारी कर दिया गया है कि कोई भी विपक्ष की आप कवरेज ही नहीं दिखाएंगे 2014 से पहले। किस तरीके से आप ये सोचिएगा कि आम आदमी की जेब में पैसा रहता था, तमाम चीजें थी, रोजगार था, सब चीजें थी, वो कहां सब खत्म हो गई। मोहन जी एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अब घर के अंदर एक शरारती बच्चा था, तो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता या कुछ भी काम करता, झगड़ा करता तो वो नुकसान हो जाता। उसके घर जब कंप्लेंट आती तो उसे पता चलता था, आप घर जाओगे तो शिकायत होगी और आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो जैसे ही उसकी मम्मी उसे जाके सवाल करती, बेटा तेने उस बच्चे के साथ मारपीट की ना गली में, वो कुछ नहीं करता, वो जाता एक मम्मी को किस कर, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, वो उस बात का जवाब ही नहीं देता था। जब भी उसकी कंप्लेंट होती, मम्मी उसे किसी भी बात पे सवाल करती, झगड़े पे, पढ़ाई पे, पैसे पे या किसी भी लापरवाही पे, तो वो उसका एक ही जवाब था, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च मुखिया है उसका यही आचरण है। अगर जनता मीडिया उससे कोई सवाल करती है तो उस सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, ना सदन में दिए जाते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाते, ना अपने मन की बात में, ना किसी सार्वजनिक मंच से, ना रैली में। वो केवल एक ही बात कहता है जनता से, जनता आई लव यू, जनता आई लव यू और जनता आई लव यू, और वो उन मुद्दों को गौण कर देता है। तो एक नई परिपाटी, नया तरीका उन्होंने याद कर लिया है कि आपसे कोई सवाल पूछा जवाब ही मत दो, क्योंकि नक्टे से बड़ी कोई वो नहीं बात। तो आप नक्टे बन जाइए, चिकना घड़ा बन जाइए, कितना पानी आप पे डालो पानी रुकेगा ही नहीं। तो ये जो इनका आचरण हो गया है ना, ये आचरण अगर आगे आने वाली जनता अगर फॉलो करेगी, राजनेता फॉलो करेंगे, तो देश हमेशा विनाश के गर्त में जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, देश पे आप कर्जा ले रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप कर्जा माफ कर रहे हैं उस देश के पैसे से, क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना मुझे। अरे आप उन्हीं पूंजीपतियों से पैसा वसूल करके देश का कर्जा उतारिए ना। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भी पैसा, मैं एक पार्टी की नहीं कर रहा, सारी राजनीतिक पार्टियों को जब इलेक्ट्रल बॉन्ड ही गलत घोषित कर दिया है कोर्ट ने, असंवैधानिक है ये नहीं है, तो सारा पैसा जिस जिस पार्टी को जितना भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा गया है, वो पैसा सरकार उल्टा रिकवर करे और देश का कर्जा उतारे। देश का फायदा होगा, भला होगा, उसमें क्या दिक्कत है। एक पार्टी की नहीं कह रहा मैं, जिस भी पार्टी को गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट भी करना चाह रहा है तो कहां कर पा रहा है। जो कांग्रेस के, कांग्रेस को तो अकाउंट बंद कर दिए और अभी भी किस तरीके से बातें की जा रही है, एक विधायक के हिसाब से बताया जा रहा है। अमित शाह ने एक चैनल पे बात करते हो, कहा हमारे इतने विधायक है, यानी कि इनका चंदा भी विधायक। मोहन जी मैंने भी वो देखा था, सांसद के हिसाब से इनको पैसा, मैंने भी सुना था जनता में, फिर पार्षद के हिसाब से चाहिए। उसी बात पे आ रहा हूँ, हमारे इतने पन्ना प्रमुख है उनका भी तो सारा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अब जितनी बड़ी गैंग है उतनी बड़ी लूट हमारी होनी चाहिए। ये एक नई परिपाटी चलाई जा रही है कि हम 100 आदमी हैं तो हमने 100 करोड़ रुपए लूट लिए, तो हमारे 100 आदमियों के हिस्से तो 1-1 करोड़ रुपए आए, और दूसरी गैंग में 50 आदमी है, उन्होंने भी 100 करोड़ रुपए लूटे तो उनके 2-2 करोड़ रुपए आए, इसलिए वो चोर हैं, हम उनके मुकाबले चोर नहीं है। ये एक नया समझाने का तरीका जनता के सामने रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस हिसाब से अगर बात करते हैं कि हमारे इतने सांसद है, इतने विधायक हैं, तो इस हिसाब से इतना इतना हिस्से हमारे आए हैं, तो आप डायरेक्ट रूप से जनता को कह रहे हैं, अगर हम तो लूट का हिस्सा सब में बांट रहे हैं, खुद कह रहे हैं। अगर इसका दूसरा पहलू भी तो देखिए, जब आप ये बात एडमिट कर रहे हैं कि इतना पैसा इतने सांसदों के हिसाब से आया, इतने विधायकों के हिसाब से आया, तो इसका मतलब वो सारा पैसा उनमें बट रहा है ना। फिर तो आपने पूरे अपने ईमानदार सांसदों, अपने विधायकों को भी उस घेरे में ले लिया जो ईमानदार है, अपने तरह उन्होंने लुटेरा बना दिया। दूसरी बात, अगर ये कोई क्राइटेरिया था, है नहीं अमूमन ये, अगर भाई इतने सांसद विधायक है तो इतना चंदा मिलना चाहिए करोड़ों में, अगर ये कोई क्राइटेरिया था तो अन्य जो दल है, फिर तो देश के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके काउंट करिए, कितने विधायक है, कितने सांसद है, फिर तो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा हिस्से सही सबको बांट दो, फिर तो
सिलसिलेवार सबको बांटो ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा आया था जी, आपका हिस्सा रह गया, ये हिस्सा आपका बनता है, इतने परसेंट का ये आपको पहुंचाया जा रहा है, फिर सब में बांट दीजिए, फिर तो मतलब सारे हमाम को ही गंदा कर दीजिए ना आप। तो ये एक है ना काउंटर जो किया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कुछ और तो नजर आ नहीं रहा, तो दूसरों को गलत साबित करके अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। इसमें उद्योगपति भी तो शामिल है ना, नेक्सस तो पूरा काम कर रहा है, उन्होंने भी इसी तरीके से बनाया, पार्टी को चंदा दिया है तो उन्होंने फायदे उठाए हैं बड़े बड़े, यानी कि देश को लूटा एक बड़ी साजिश। मोहन जी आपको क्या लगता है, जनता को तो बेवकूफ बना रखे, आप समझदार पत्रकार हैं और समझते सब हैं, मैं सारे पत्रकारों को समझ मान रहा हूं जो बड़े बड़े चैनल पे करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, एंकर हैं, सब समझ रहे हैं, पर बोलने की हिम्मत कहां है उनमें, उनका जो अपना प्रलोभन है, जो उनका जो है पैसे का हित है वो गले कटा रहा है, उनका लालच उनका गला कटवा रहा है, उनसे झूठ बुलवा रहा है, आत्मा उनकी कचोट रही है पर वो अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहे हैं और बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए देश की सरकार चला कौन रहा है, ना प्रधानमंत्री चला रहे ना गृह मंत्री चला रहे, हमारे देश की सरकार आज के समय में चंद जो उद्योग घराने पूंजीपति लोग हैं वो चला रहे हैं, उनके निर्देश के ऊपर कानून बदले जाते हैं, बनाए जाते हैं और नए नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये सारा खेल चल रहा है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, सरकार अपने हिसाब से उन उद्योग घरानों को चलाए तो आज के समय में देश पे एक रुपए का चंदा नहीं होगा। क्या लगता है 2024 में अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं एक बार अगर हम जब सत्ता में आएंगे इस व्यवस्था को बदलेंगे, आपको लगता है चेंज होगा जैसे पहले चलता था, मोहन सरकारें चलती थी, मोहन जी राजघराने सत्ता नहीं चलाते थे, आज राजघराने सत्ता में घुस गए हैं, वो कहते हैं हमें पूरा सब कुछ सिस्टम हमारा अपना चाहिए, सब नियम कानून हमारे हो, हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून हो, आम जनता के लिए बाहर से निकलते उनका चलान कट जाएगा, रोड पे उनका रोड टैक्स लग जाएगा, टोल टैक्स लग जाएगा, ये तमाम चीजें जो मैं पूछ रहा हूँ। 2024 का चुनाव क्योंकि आज आगाज हो चुका है, आचार संहिता लग गई है, तो क्या लगता है इसमें तमाम मुद्दे आम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये हमारी वीडियो दूर दूर तक जाए, लोग शेयर करें ताकि आम जनता को पता चले आप 5 किलो नाच कबूतर की तरह चुग रहे हैं और बाकी माल कोई और ही खा रहा है, तो वो कैसे इस देश का सिस्टम भला हो पाएगा इस देश का। मोहन जी एक झूठ को अगर आप लगातार 100 बार बोलते हैं तो लोगों को झूठ सच लगने लग जाता है, और इसमें तो बड़ी खूबी है बहुत से राजनेताओं में, वो झूठ को इतनी सफाई से इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, अगर लोग सोचते हैं कि बिल्कुल जब ये कह रहा है और बिल्कुल चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है तो बिल्कुल ये सच कह रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा, तो उनमें से पूरे नहीं तो आधे लोग तो उस चीज पे यकीन कर लेते हैं, और जब वो आधे लोग यकीन करते हैं तो उसी का फायदा ये उठा लेते हैं और फिर से सत्ता में काबिज होते हैं। देश अब कहां है इनके पक्ष में, आप मुझे बताइए, हमारे सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बिहार के एपिसोड के बाद तेजस्वी की रैलियों में जितनी भीड़ है, 2-2 बजे तक लोग उसका इंतजार करें, कभी मोदी जी का लोगों ने किया हो तो मुझे बताइए आप, पूरी प्री प्लैंड इवेंट के थ्रू रैली होती है, लोगों को खाना दाना मिलता है, पानी मिलता है, साधन मुहैया कराया जाता है, आधी तो भीड़ प्रशासन की होती है उस रैली के अंदर, एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह सारा प्रोग्राम होता है, कैमरे लगे होते हैं, पूरा प्रशासन होता है, पर जो बिहार के अंदर भीड़ आ रही है युवा नेता है उसकी रैलियों में बिना खर्चे के भीड़ आ रही है, कोई साधन मुहैया नहीं लोगों के लिए, कोई सुविधा नहीं, और फिर लोग इतनी बेताशा भीड़ मारे, तो लोकप्रिय नेता तो मुझे आज के समय में वो लग रहे हैं, अगर देश का युवा में सबसे लोकप्रिय नेता तो आज की डेट में मुझे तेजस्वी यादव लग रहा है, क्योंकि उसके जो फेवर में जो भीड़ आ रही है उतनी भीड़ तो कहीं भी नहीं आ रही, इतनी भीड़ मोदी जी अकेले रात को अकेले 12 बजे जाके करके दिखा दे, अमित शाह जी करके दिखा दे, अगर मैं अकेले जाता हूं बिना कहे लोगों से, अगर मेरी रैली है आप आओ बताओ मुझे करके दिखाएं, तो लोकप्रियता हो नहीं रही, दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, जनता विरोध में सब जानना चाह रही है पर बता कौन रहा है, जवाब कौन दे रहा है। मेरा सवाल ये था 2024 में तमाम मुद्दे आपको लगता है आम जनता के बीच में आ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को लूट लिया गया है और अब इस तरीके से लूट लिया गया है, पूरा एक नेक्सस बना दिया गया है, ये पूरा सिस्टम ही बना दिया गया है, लूट का सारे कानून नियम तमाम इस चीज से बना दिए गए हैं, तो 2024 का ये चुनाव कैसे आप देखते हैं? मोहन जी जनता बिल्कुल नहीं चाह रही भाजपा की सरकार लानी, मगर जनता पूरी विरोध में है, अगर आप सोशल मीडिया देखें और जो और ट्विटर हैंडल है और जो अन्य जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन पे भी आप न्यूज देख रहे हैं या लोगों की अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उस हिसाब से सरकार कहीं नहीं आ रही है, ये 400 पार का नारा डर की वजह से दिया जा रहा है, नारा दिया था एमपी में वहां क्या सीटें आई, हरियाणा में दिया गया था जितना नारा उतनी सीटें आई, पश्चिम बंगाल में दिया गया था क्या उतनी सीटें आई, अब क्या चल रहा है, अब ये सरकार के लिए करो और उन पूंजीपतियों के लिए जो सरकार चले करो या मरो की स्थिति है,
उनको डर इस बात का है, अगर इस बार हम सत्ता में नहीं आए तो आप इतने नंगे हो जाओगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपको दोबारा लोग सत्ता में नहीं आने देंगे और उन पूंजीपतियों का बिजनेस करना भारी हो जाएगा। जो उन्होंने लूट की दुकान चलाई है वो लूट की दुकान उनकी बंद हो जाएगी, और वो इस डर की वजह से अब सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, वो बड़े बड़े पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, पर जनता तक बात पहुंच रही है और जनता जवाब चुनाव के समय देगी। पर सबसे बड़ा संशय एक और है, अगर मशीनों पे जो सवाल उठे हैं, एक बार भी चुनाव आयोग ने सरकार ने कहा है कि हम वीवीपैट की पर्ची हर एक मतदाता को देंगे, पर वो पर्ची उसको मिलेगी वो मिलान करेगा जिसको वोट दिया वही पर्ची है, और उस पर्ची को आप ड्रॉप बॉक्स में डलवाइए, जिस लोकसभा सीट पे संशय हो या मतगणना गलत हुई मशीनों की आप उसकी वीवीपैट की पर्ची चेक कराइए। क्या पहले चुनाव नहीं होते थे? जिन देशों से मशीनें हिंदुस्तान में आई है उन दिशाओं में तो वीवीपैट चुनाव हो रहे हैं इलेक्ट उससे पर्ची से, और यहां मशीनों से होंगे। तो ये बहुत बड़ा नेक्सक षड्यंत्र काम कर रहा है, इनका एक षड्यंत्र फेल होता है तो दूसरे पे काम करना शुरू कर देते हैं, पूरे हर तरफ से इस तरह से घेर लिया गया है। लगता है और भी बुरा वक्त इस देश का आ सकता है जिस तरीके से आज हालात हम देख रहे हैं। मेरे चलते इधर तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, ये फिर एक सवाल बार बार आ जाता है, क्या ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही एक बड़ा मामला है या इससे भी ज्यादा आगे और भी कई सारे मामले? मोहन जी, अगर सरकार की निष्पक्ष जांच हो, अगर सीबीआई की खुददारी जाग जाए, ईडी की खुददारी जाग जाए, और मैं ये कहता हूं मीडिया जो देश का स्तंभ है उसकी आत्मा अगर गवाही दे दे, उनकी अंतरात्मा अगर जाग जाए, अगर वो सच्चाई दिखाने लग जाए तो पोजीशन इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। आप मान के चलिए अगर जो ये जितना शोर जनसभाओं में मचा रहे हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते जनता को बेवकूफ बना रहे, ये देश छोड़कर भाग जाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब डर उनको यही सता रहा है कि इस बार अगर किसी तरह सत्ता में नहीं आए तो इतने बड़े बड़े घोटाले आपके उजागर हो जाएंगे, आपके बुरे कर्म उजागर हो जाएंगे, आप लोगों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो जबरन जैसे भी करके करो या मरो की स्थिति में आके सरकार को लाना चाह रहे हैं। आप देखिए क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जा रहा है, अब जनता देख रही है, अब जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको भाजपा में उतनी बड़े पद और जगह दी जा रही है। सरकार का जो सिद्धांत था ईमानदारी वाला वो कहां रह गया, जब खुद देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे जो नेता हैं वो उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हीं को गले लगाते हैं, ईडी की रेड पड़ती है। कभी आज तक बताया गया अगर 9-10 साल के शासन काल में हमने कितनी ईडी की रेड डाली उद्योगपतियों पे और कितनों पे हमने कार्रवाई करके उनको अंदर बंद किया? जब राजनेता ईडी की रेड पे बंद हो सकते हैं तो उद्योगपति क्यों नहीं होते? तस्वीर साफ हो गई कि आप जो है ईडी की रेड डालो, चंदा लो, पार्टी में शामिल करवाओ, ये पूरा काम चल रहा है, ये पूरी आम जनता। मोहन जी, इसके लिए अब देश को जागना पड़ेगा, जनता को चुप रह के ऐसी चोट मारनी पड़ेगी, जनता लड़े, बिल्कुल जनता को लड़ना पड़ेगा चुनाव। जब भी बदलाव आता, आप देखिए इंदिरा गांधी, मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी इसी तरह की तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, पर उनको भी इतना बहुत भारी वहम था अगर हम चुनाव जीत कराएंगे कोई हमें हराने वाला नहीं है, पर उस समय जनता ने उसको इतनी बुरी तरह हराया था उस इंदिरा गांधी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, अब वो सर पकड़ कर माथा पीट रहे थे। वही हाल अब होने वाला है कि इनको बहुत भारी वहम है अब हम कैसे भी करके तंत्र से यंत्र से कैसे भी करके हम सत्ता में आएंगे और जनता इनको उतने बुरे तरीके से हराएगी, अब ये सोचने पर मजबूर जाएंगे कि हमारे गणित कहां और कैसे फेल हुए। चलिए तमाम आप मेरे साथ जुड़े और ये पूरा एक मामला है, क्योंकि मामला ये है कि आम आदमी परेशान है, सिर्फ किस तरीके से बाजार में आप चले जाइए व्यापार ठप है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, महंगाई उसकी कमर तोड़ रही है, रोजगार है नहीं, ऐसे में आप अपना मतदान करें तो एक बार सोचे और ये तमाम चीजों को देखें, पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कोरोना काल में किस तरीके से पीएम केयर फंड बना उसमें फंड गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का दाद देनी पड़ेगी कि जिन्होंने सख्त संज्ञान लिया, एक सही फैसला, उचित फैसला दिया है, इसको सख्ती से लागू करवाएंगे, जो कुछ इसमें खुलासा होगा वो लगातार आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इतना ही, विनय जी ने बहुत अच्छी बात रखी है तमाम चीजें, अब लोकसभा का चुनाव है, आप अपने मतदान की तैयारी करें, नेताओं को पहचाने समझें कि कौन आपसे सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन दावे कर रहा है, उसके बाद आप अपना मतदान करें। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।